पायस ऑब्लिगेशन ऑफ ए सन। तो हमने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा है कि जो सन ग्रैंड सन और ग्रेट ग्रैंड सन है उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं अपने फादर के डेब्ट को चुकाने की। पर कुछ ऐसे डेब्ट्स हैं अगर वो इमोरल है, इलीगल इन नेचर है, मींस अधर्मिक डेब्ट्स हैं, तो फिर जो सन है या जो भी ग्रैंड सन है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लायबल नहीं है, उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है उस डेब्ट को डिस्चार्ज करने के लिए। तो अब कौन से डेब्ट्स जो हैं वो इलीगल और इमोरल होते हैं, जैसे कि कोई आपने शतरंज वगैरह या ताश वगैरह में उसने कोई पैसे लॉस करवाया हो, या ड्रिंक अल्कोहल पीने के लिए उसने कोई लॉस करवाया है या उधार लिया है, या फिर कोई ऐसा प्रॉमिस किया जो बिना किसी कंसिडरेशन के हो, या फिर किसी गलत काम के लिए उसने किसी से कोई प्रॉमिस किया हो, या किसी से रिश्वत की बात हो, या कोई फ़ाइन लगा हो उसके ऊपर, या कोई श्योरटीशिप है, या अगर उसने किसी की श्योरटी ली है, तो ऐसे जो डेब्ट्स हैं उसको हम इमोरल और इलीगल डेब्ट्स की डेफिनेशन में लाते हैं। और उसके लिए जो बच्चा है, जो बेटा है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, लायबल नहीं होता उस डेब्ट को चुकाने के लिए। इसके साथ ही कुछ ऐसे डेब्ट्स हैं जिसके लिए कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें जो फादर है वो उन डेब्ट्स के लिए क्रिमिनल लायबल, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के लिए लायबल होगा, तो फिर बेटा उस डेब्ट के लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर वो सिविल लायबल है तो तब वो उस डेब्ट को चुकाएगा। अब और भी पॉइंट्स हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो डेब्ट है वो इलीगल है। अभी तो स्पेसिफिकली हमने बता दिया कि अगर कोई शतरंज, ताश वगैरह या अल्कोहल या फिर कोई ऐसे प्रॉमिसेस हैं, ये तो स्पेसिफिक हमने बता दिए। पर कुछ ऐसे डेब्ट्स हैं जो शुरू में तो मोरल है, मीन्स शुरू में तो स्टार्टिंग में तो वो मोरल है, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सब्सिक्वेंटली क्या होता है वो डिसऑनेस्टली जो फादर है उसको यूज़ कर लेता है। जैसे मान लो कि फादर किसी बैंक में कैशियर है, तो उसके पास जो प्रॉपर्टी आ रही है वो इमोरली नहीं आ रही, मतलब जो है वो एज ए कैशियर उसको रख रहा है वो, ठीक है, बाद में वो क्या कर रहा है कि उसको मिस अप्रोप्रिएट कर रहा है फादर। तो फिर ये यहाँ पे अगर वो फादर के ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी आ रही है, फिर तो जो बेटा है वो उसको पे नहीं करेगा। पर अगर क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं है, सिविल लायबिलिटी आ रही है, तो फिर बेटा उसको पे करेगा। मतलब हमें यहाँ पे देखना है कि जो डेब्ट शुरू से ही इमोरल है तो फिर वो उसके लिए तो बेटा बिल्कुल भी लायबल नहीं है, पर अगर डेब्ट जो है शुरू में तो मोरल था पर बाद में वो इमोरल हो गया, तो तब जो बेटा है वो ये देखेगा कि क्या इसके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होने वाली है। अगर नहीं है तो फिर तो वो लायबल है, अगर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है तो फिर बेटे के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो किसके ऊपर लाई करता है, ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो बेटे के ऊपर लाई करता है, और बहुत हैवी बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, क्योंकि बेटे को ये प्रूफ करना पड़ता है कि भाई ये जो डेब्ट है इलीगल है, इसलिए मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिलीजियस जो ड्यूटी बनी है, एक पायस ऑब्लिगेशन बनी है बच्चे के ऊपर, वो अब एक स्ट्रिक्ट लीगल लायबिलिटी हो गई है। पर 2005 अमेंडमेंट के बाद चेंजेस आए हैं। 2005 अमेंडमेंट ने ये बोला है कि 2005 से पहले अगर किसी फादर ने कोई भी डेब्ट लिया है तो बेटा उसके डेब्ट को चुकाने के लिए पूरी तरह से लायबल है, मतलब एज़ पर और पूरी तरह से पायस ऑब्लिगेशन काम करेगा। पर 2005 के बाद अगर किसी पर्सन ने कोई भी डेब्ट लिया है तो वो उसकी खुद की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस डेब्ट को रीपे करने के लिए, तो उसके जो बच्चे हैं वो उसके लिए पेबल नहीं होंगे, मतलब वो क्रेडिटर के लिए लायबल नहीं होंगे। तो ये कौन से हैं, ये प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है, मीन्स जो ये अमेंडमेंट आई है ये प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है, ये 2005 के बाद के डेब्ट्स के बारे में बात कर रहा है कि अगर आपने 2005 के बाद कोई डेब्ट उठाया है तो फिर आप अपने मरने से पहले उस डेब्ट को पूरा कर दीजिए। एक तरह से क्रेडिटर को इन्होंने अलर्ट कर दिया है कि अगर 2005 के बाद किसी ने किसी को पैसे दिए हैं तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस पैसे को जैसे तैसे वो वापस ले ले किसी भी तरीके से, क्योंकि अगर वो पर्सन मर जाता है तो अब जो उसके बेटा, ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन है उसके ऊपर कोई पायस ऑब्लिगेशन नहीं होगा।